जय हिंद साथियों, मैं दिवाकर अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एबीसी कॉम्पिटेटिव क्लासेज प्रसारण। दोस्तों ध्यान रखेंगे, आज हम लोग बिहार दरोगा जो 2213 सीट्स के लिए परीक्षा होने वाले हैं पीटी के एग्जाम, ठीक है, पीटी के लिए हम लोग जो है यूरोटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा करने जा रहे हैं। ये जो है रिविजन टाइप का वीडियो है, इसलिए हम लोग इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन और आंसर पर फोकस करेंगे। दोस्तों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जा करके और वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है कि किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया था और जो ऐसे यानी कि सरकार के विरुद्ध में कोई भी न्यूज़पेपर छापते थे तो उनको जो है उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती थी। ये क्या था आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो ये जो है इस पत्रिका का समर्थन जो है पायनियर पत्रिका, कौन सा पत्रिका, पायनियर, ठीक है। दोस्तों यदि आपको जो है आवाज कम दिक्कत हो तो आप जो है आप उसको अपना जो स्पीड को कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं, ठीक। और सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सभी लोग जो है एक कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और अंत में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपका जो है कितना प्रश्न सही हुआ है और कितना गलत, ठीक है। चलिए, और इस सेट के लिए हम जो है 70 लगभग 70 अंक जिनका आ रहा है उनकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी, ठीक है। इसके लिए कट ऑफ निर्धारित किया गया है 70 यानी 70, ठीक। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासन काल के दौरान घटित हुई थी। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है आपका सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स के काल में, किसके काल में, वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि उस्ताद मंसूर किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। दोस्तों ध्यान रखेंगे, उस्ताद मंसूर जो है मुगल शासक जहांगीर के दरबार के चित्रकार थे, किसके, जहांगीर, ठीक है। जहांगीर के काल में चित्रकारी जो है चरमोत्कर्ष पर था, ठीक है, इससे इसलिए इसको जो है चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि द्वैतवाद जो है सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे, तो आपका सही आंसर होगा माध्वाचार्य। द्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक माध्वाचार्य होंगे। अगला प्रश्न है कि दीवान एकोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी। तो दीवान एकोही दोस्तों क्या है, यह एक कृषि विभाग था जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अमीर एकोही या दीवान एकोही, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और फिरोज शाह तुगलक जो है यह क्या कहा जाता है उसको, बंदगान, दीवान ने बंदगा एक विभाग बनाया था जिसका मतलब होता है दासों का शौकीन, यानी कि दासों के लिए अलग विभाग बनाया था। तो दीवान ने बंदगान जो है फिरोज शाह तुगलक और दास विभाग यह था, ठीक है, और दासों का शौकीन था फिरोज शाह तुगलक, इसलिए इसने दास विभाग बनाया था। अगला प्रश्न है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, चंदावर का युद्ध जो है 1194 में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था, ठीक है। 1191-92 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच त्राइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध हुआ था, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि लोहार वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, लोहार वंश का संस्थापक जो था कौन था, तो इसका सही आंसर होगा संग्राम राज। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज और इस वंश ने जम्मू कश्मीर में शासन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किस विद्वान ने बिंदुसार के 16 राज्यों का विजेता बताया है। तो कौन सा विद्वान जो है बिंदुसार के 16 राज्यों का विजेता बताया है, तो आपका सही आंसर होगा तारानाथ, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, तारानाथ, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि बृहदेश्वर का मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो बृहदेश्वर का मंदिर जो होगा आपका तंजौर में कहाँ अवस्थित है, सही आंसर होगा तंजौर। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। तो किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, तो आपका सही आंसर होगा चतुर्थ, ठीक है। इस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ, कौन कौन सा, तो हीनयान और महायान। आंशिक विभाजन पूछे तो द्वितीय संगति होगा और चतुर्थ संगति में जो है पूर्ण रूपेण विभाजन हो गया, ठीक है। उस समय कुंडल वन में आपका संगति आयोजित की गई थी कश्मीर में, उस समय राजा कौन था, कनिष्क। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो जैन धर्म के तीसरे
तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह जो था हाथी, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है, तो किस वेद में कन्याओं की जन्म की निंदा की बात की गई है, तो आपका सही आंसर होगा अथर्ववेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि सबसे पहले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख किससे, जूनागढ़ के भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला क्या कहलाती थी, तो वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहा जाता था। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे जिससे कि आपको पल पल की नोटिफिकेशन मिलती रहे, तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो दोस्त बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँच पाए और वो इस वीडियो का लाभ ले सके। दोस्तों हमारी जो है करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा है, उस सेशन में जरूर भाग लीजिएगा, बिहार दरोगा के लिए काफ़ी लाभप्रद है, तथा होमवर्क सीरीज भी एक चलता है, होमवर्क सीरीज चलता है उसमें भी भाग लेंगे जिससे आपकी तैयारी काफ़ी आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है, तो किस ग्रह का है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बुध ग्रह पर जो है एक विशेष गुण है जो कि क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह जो है आपका शुक्र है, सबसे छोटा ग्रह बुध है, बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ दोस्तों स्ट्रॉम्बली ज्वालामुखी, किस ज्वालामुखी को कहा जाता है, तो सही आंसर होगा स्ट्रॉम्बली ज्वालामुखी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध देश नहीं है, तो इस ऑप्शन के अनुसार जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड जो है आपका स्थलरुद्ध देश नहीं है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कजाकिस्तान है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आसवन बांध किस नदी पर अवस्थित है, दोस्तों ध्यान रखेंगे आसवन बांध जो है नील नदी पर, किस नदी पर है, नील नदी पर, नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखेंगे, और सबसे विशाल नदी पूछे तो सही आंसर होगा अमेजन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और यह कर्नाटक में है, कहाँ है, कर्नाटक में। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है, तो यहाँ पे कृष्णा की सहायक नदी बताना है मूसी, दूध गंगा, कोयना, जलांगी, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में चूज करना है, तो आपका सही आंसर होने वाला है कि मूसी, कोयना और दूध गंगा, ये तीनों नदियाँ जो है कृष्णा की सहायक नदी है, तो इस प्रकार आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक दो और तीन, तीनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है, दोस्तों ध्यान रखेंगे भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून, किस मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून, और यह मानसून जो है सबसे पहले केरल में आता है, कहाँ आता है, केरल में। ठीक है, और जून के प्रथम सप्ताह में। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का पड़ोसी जो है इससे भारत के पांच राज्य जो है सीमा साझा करते हैं, कितने राज्य, पांच राज्य, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था, तो भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण सन 1914 में, ठीक है, और 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, भारत चीन मैकमोहन, और 1896 में ड्यूरंड लाइन जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो शिमला तथा मनाली के क्षेत्र जो है आपका हिमालय के लघु हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, कौन से हिमालय, तो लघु हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है, दोस्तों ध्यान रखेंगे दीनदयाल बंदरगाह जो है गुजरात में, कांडला बंदरगाह का ही नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है, दोस्तों ध्यान रखेंगे भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई जो होगी यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 6100 जो है तटीय भाग की लंबाई है और कुल तटीय भाग की लंबाई 7516.5, यानी कि 7516.5, यहाँ पे 7716 है जो कि गलत है। ठीक है,
चलिए कुल तटीय और मुख्य होगा तो 6100 और कुल तटीय 7516.5। तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है आपका कहाँ है, तो इसका सही आंसर होगा कानपुर। दलहन शोध संस्थान जो है आपका कानपुर में है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों ध्यान रखेंगे सीमा सुरक्षा बल की स्थापना जो है कब की गई थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1965। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना जो है 1965 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, यानी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो आपका सही आंसर होगा पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग टॉन्सले के द्वारा, किसके द्वारा किया गया था, टॉन्सले के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है। दोस्तों भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है कौन सा है, तारापुर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, कौन सा, तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, और ये नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापारा गुजरात, और रावतभाटा राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका उत्तराखंड में है, कहाँ है, उत्तराखंड में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। भारत में दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980, ध्यान रखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछे तो 1986, और वन संरक्षण अधिनियम यहाँ आपसे पूछा गया है तो आपका सही आंसर होगा 1980। ठीक है, AO यानी खाद एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जो है आपका रोम में है, कहाँ है, रोम में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजनीति की रपटीलीरा है पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों राजनीति की रपटीलीरा है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं हैं। ठीक है, राजनीति की रपटीलीरा है, और मेरी 51 कविताएं ये भी अटल बिहारी वाजपेयी की ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस दोस्तों 24 अप्रैल किस तारीख को मनाया जाएगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 24 अप्रैल। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना निर्धारित किया गया है। दोस्तों चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम जो है 3 रुपये प्रति किलोग्राम, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय आय समिति की गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में किया गया था, आपका सही आंसर होगा पीसी महलनोबिस। ठीक है, किसके अध्यक्षता में, तो पीसी महलनोबिस के अध्यक्षता में। इन्हीं के जन्मदिवस पर जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है 29 जून को। अगला प्रश्न देखते हैं, और दादा भाई नौरोजी ध्यान रखेंगे ये आर्थिक अपवाहन का सिद्धांत, ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं किया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत जो है आपका शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, इस तीनों को शामिल किया जाता है, लेकिन जनसंख्या को शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा किया गया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब, 1952 में किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल रहा है, तो इसलिए आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रथम पंचवर्षीय योजना सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली के निर्माण के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण के अंतर्गत जो है आपका द्वितीयक क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि उपराष्ट्रपति पद किस देश के संविधान से लिया गया है। तो उपराष्ट्रपति का पद जो है भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है, कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, चलिए देख
विधायकों तथा सांसदों के द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे किस अनुसूची में है, तो इसका सही आंसर होगा तीसरी अनुसूची में। ठीक है, शपथ जो है तीसरी अनुसूची में और वेतन जो है दूसरी अनुसूची में, दोनों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, वेतन पूछे तो दूसरी और शपथ पूछे तो तीसरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के नागरिकता को कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है। तो भारत के नागरिकता को जो है समाप्त किया जा सकता है, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीन तरीका से जो है भारत के नागरिकता को आप समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सरकार द्वारा आपसे नागरिकता छीन ली जाएगी, या आप जो है विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, या नागरिकता की परित्याग से। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क सुविधा शिक्षा सुविधा जो है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा उपलब्ध कराया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि राष्ट्रीय स्मारकों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो राष्ट्रीय स्मारक और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण जो है आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 49। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय स्मारकों स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण करना। ये जो है आपका एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को अपने पद के क्रम के अनुसार क्या है, यानी वर्तमान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो है क्रम अनुसार बताना है। तो इनका जो है राष्ट्रपति का क्रम जो है 14वां है, जो कि रामनाथ कोविंद है, और वेंकैया नायडू जिनका जो है क्रम 13वां है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है, किसको सौंपता है, उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंपता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का फॉर्मूला किस आधार पर अपनाया गया था। तो कौन सा आधार है, तो गॉडगिल फॉर्मूला के आधार पर पाने। अगला प्रश्न देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के दोस्तों सदस्यों का कार्यकाल जो होगा 6 साल, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख, अगला प्रश्न है कि पंचायती राज से संबंधित कुछ प्रमुख समिति है, तो इसमें से कौन सा समिति जो है गलत मिलान कराया गया है। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर होने वाला है आपका, यानी बलवंत राय मेहता समिति 1957 सही है, अशोक मेहता 77, जीवी किराव 85, आपका एलएम सिंघवी जो है 88 नहीं बल्कि 1986 में है, इसको ध्यान रखेंगे, एलएम सिंघवी समिति 1986 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो गलत है आपका सही आंसर डी होगा। ठीक, शिक्षा जो है किस सूची के अंतर्गत आता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे शिक्षा जो है आपका शिक्षा जो है समर्थ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है। दोस्तों ध्यान रखेंगे चीन का राष्ट्रीय खेल जो है आपका टेबल टेनिस, क्या होगा, टेबल टेनिस, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, 53 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था। तो भारत के द्वारा पहली बार ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक 1928 में कब जीता गया था, एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो कितने नागरिकों को 119 यानी कि 119 नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं। तो किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को नेक्रोसिस क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं नेक्रोसिस, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष लिंग गुणसूत्र को दर्शाता है। तो पुरुष में जो है कौन कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र होगा तो वो लिंग जो होगा पुरुष होगा, और एक्स एक्स होगा तो क्या होगा महिला। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान
प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा जो है आपका किस ऊर्जा में, तो इसका सही आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण, लेकिन नाइट्रिक्स ऑक्साइड जो है आपका ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो यहाँ पर इसको दोस्तों ध्यान रखेंगे कि आपका जो है व्हेल जो है स्तनपायी के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पे आपका शार्क जो है स्तनपायी नहीं, व्हेल और डॉल्फिन ये दोनों स्तनपायी होते हैं, बाकी शार्क जो है आपका मछली है, न कि यह मत्स्य वर्ग में आता है, न कि यह जो है स्तनपायी है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा लोग आप सही लोग सभी लोग जो है सभी आंसर नहीं टिक करेंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? तो मानव मस्तिष्क में जो है कितने, 4 निलय, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है? तो मानव मूत्र का कौन सा एक असामान्य घटक है? तो आपका सही आंसर होगा एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है एक असामान्य घटक है। ठीक है, क्या है तुमसे बड़ा अंग जो हो जाएगा लीवर यानी कि यकृत है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न जो है कि 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है, तो प्रतिरोध द्वारा खर्च की गई कुल शक्ति कितना होगा? तो इसका आप शक्ति निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी कुल जो है 15,000 वाट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि पानी की बूंदों को तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण है? तो पानी की तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण जो होगा आसंजक बल। कौन सा बल हो जाएगा? आसंजक बल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो तुल्यकाली उपग्रह जो है इसके परिक्रमण की अवधि जो होगी 24 यानी कि 24 घंटे की होगी। कितने देर की? 24 घंटा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न जो है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका जो है आवर्त काल बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न जो है कि एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? तो एक्स किरणें जो है किस प्रकार की तरंग है? तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग। किस प्रकार की तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसका खोज जो है रोंटजन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न जो है यह काफी आसान प्रश्न है। जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? दो समांतर दर्पणों के बीच जो भी रखा जाए वस्तु, तो उसके प्रतिबिंब की संख्या जो होती है दोस्तों अनंत। काफी आसान प्रश्न है, उम्मीद करते हैं सभी लोग सही बनाएंगे इसको। अगला प्रश्न है कि वर्णांधता नामक रोग किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है? दोस्तों वर्णांधता रोग जो है किसके द्वारा दूर किया जाएगा? तो वर्णांधता जो है यह एक अनुवांशिक बीमारी है जो समाप्त नहीं किया सकता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में परिवर्तित होते रहता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न जो है कि निम्न में कौन सा एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? तो कौन सा गैस जो है आपका निष्क्रिय है, लेकिन नोबल गैस, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा ऑर्गन। अगला प्रश्न देखते हैं कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो आतिशबाजी में हरा रंग जो है बेरियम के कारण, किसके कारण? बेरियम के कारण, और स्ट्रांसियम के कारण जो है लाल रंग दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे बिलियन भी कहा जाता है? तो किसे बिलियन कहा जाएगा? तो समांगी मिश्रण को बिलियन भी कहा जाएगा, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न जो है कि एल्यूमिनियम शुद्ध किया जाता है? दोस्तों ध्यान रखेंगे एल्यूमिनियम को शुद्ध करने की जो विधि है उसे विद्युत अपघटन विधि कहा जाता है। कौन सा विधि? विद्युत अपघटन विधि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न जो है चलिए कौन सा प्रदूषण को जीव जो है मॉनिटर करता है? तो आपका सही लाइकेन पार्क, कभी उत्तराखंड के नैनीताल में बनाया गया, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं
कि टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमोटिंग पास्ट लीजेसी पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि टर्न अराउंड इंडिया 2020 पुस्तक का लेखक बताना है, तो इसके लेखक हो जाएंगे आरपी गुप्ता। कौन है? आरपी गुप्ता, टर्न अराउंड इंडिया 2020, आरपी गुप्ता। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज मिशन नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो कौन सा राज्य जो है नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है नॉलेज मिशन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक टिकट पाने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बन गई है, तो ओलंपिक टिकट पाने वाली पहली भारतीय तलवारबाज जो है भवानी देवी, कौन बनी है? भवानी देवी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है, यानी एसी रेलवे का टर्मिनल कहाँ बन रहा है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हाल ही में किस राज्य ने नाव पुस्तकालय खोलने की घोषणा की है, तो कौन सा राज्य है? तो नाव पुस्तकालय खोलने वाला राज्य जो है पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल नाव पुस्तकालय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने हेतु किस राष्ट्र ने मतदान किया है, यानी सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरा को ढकने के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए कौन किस देश में मतदान हुआ है, तो आपका सही आंसर होगा स्विट्जरलैंड। कहाँ हुआ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 2021 में डस्ट लीग टू सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ है, तो डस्ट लीग जो है सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, किन दो देशों के बीच, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट लीग टू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत ने सहतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो भारत ने सहतूत बांध के समझौता किया है किस देश से, तो अफगानिस्तान से। ठीक है, सहतूत बांध का निर्माण जो है अफगानिस्तान के साथ समझौता करके भारत बनाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि 93वें अकादमी पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन श्रेणी में शीर्ष 10 लघु फिल्मों में किस भारतीय फिल्म को चुना गया है, तो कौन सा भारतीय फिल्म चुना गया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिट्टू। किस फिल्म को चुना गया है? तो बिट्टू को चुना गया है 93वें अकादमी पुरस्कार के लाइव एक्शन श्रेणी में लघु फिल्म में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में बीपीसीएल के प्रोपलिन व्युत्पन्न पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन किया है, किस राज्य में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है बीपीसीएल प्रोपलिन व्युत्पन्न पेट्रोकेमिकल परियोजना, तो ये जो है केरल में किया गया है। कहाँ किया गया है? केरल में। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है, तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक डॉक्टर माथुर और गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा सैन्य क्षमता किसके पास है, यानी सबसे ज्यादा सैन्य क्षमता के मामले में कौन पहले नंबर पर है, तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। सबसे ज्यादा सैन्य क्षमता अमेरिका के पास है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के एमओयू की मंजूरी प्रदान की है, तो एमओयू की किसके साथ? तो उज्बेकिस्तान के साथ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हुनर हाट 2021 का आयोजन लखनऊ में किया गया जिसका थीम क्या था, तो हुनर हाट 2021 का आयोजन जो है लखनऊ में किया गया है जिसका थीम था वोकल फॉर लोकल। ठीक है, क्या थीम था? वोकल फॉर लोकल, हुनर हाट 2021 जिसका आयोजन लखनऊ में किया गया है जिसका थीम था वोकल फॉर लोकल। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध लेखिका को 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया है, तो 30वां सरस्वती सम्मान 2021 जो है किसे प्रदान किया गया है, तो आपको जो है किसे दिया गया? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। किसको दिया गया है? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को 30वां सरस्वती सम्मान 2021 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोविड-19 टीकाकरण अभियान की प्रथम चरण की शुरुआत कब से की गई, तो कोविड-19 टीकाकरण अभियान की प्रथम चरण की शुरुआत जो है भारत में कब की गई,
तो इसका सही आंसर होगा 16 जनवरी 2021, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 2021 की मेजबानी करेगा। तो G7 2021 की मेजबानी जो है किस देश को दी गई है, तो ये करने वाला है आपका देश ब्रिटेन। कौन सा देश करेगा? ब्रिटेन। ठीक है, चलो तो आपका सही आंसर होगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। चल दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं कि COVID-19, यहाँ से देख लेते हैं फिर से कि प्रसिद्ध लेखिका को 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है, तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। अगला प्रश्न है कि COVID-19 टीकाकरण अभियान प्रथम चरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 कब? 16 जनवरी 2021। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न जो है कि यहाँ पे G7 की मेजबानी किसको दी गई है, तो G7 की मेजबानी 2021 में ब्रिटेन करेगा। कौन सा देश करेगा? ब्रिटेन करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न जो है कि ई ज्ञान मित्र ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा? ई ज्ञान मित्र ऐप। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है कि सभी प्रश्न जो है आपके कुछ प्रश्न अब जीके जीएस का हो चुका है, करेंट का भी हो चुका है, आपको कुछ प्रश्न अब मिलने वाले हैं मैथ के। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में, तो जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान जो है 10 नंबर का। कौन सा है? 10 नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत में कितने सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है, तो भारत में जो है 100 कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे 2021-22 के में जो है, तो 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि 50 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, तो 50 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो होगा 732। आप इसको प्रश्न को जो है टाइम लेकर सॉल्यूशन करके तब बना के आंसर टिक करेंगे। ठीक है, कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, वहां पे आपको समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर देंगे, रोक देंगे, रोक कर तब बनाएंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक विद्यार्थी को एक संख्या में 3 से गुना करने के लिए कहा गया, गलती से उसने संख्या को 3 से भाग कर दिया और इस प्रकार उसका सही उत्तर में 72 कम प्राप्त हुआ, तो वो संख्या बताएं। तो आपका संख्या का होगा 27, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न जो है कि एक कार्यालय में 68% कर्मचारी चाय पीते हैं और 38% कर्मचारी कॉफी पीते हैं, प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो, तो 24 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीता हो, तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं, तो कार्यालय में कर्मचारी की संख्या निकालना है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 400, कुल कर्मचारियों की संख्या 400। अगला प्रश्न देखते हैं कि ए ने 36,000 रुपये पूंजी लगाकर एक व्यवसाय को प्रारंभ किया, आरंभ के कुछ समय बाद बी भी 4500 रुपये लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया, यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 2:1 में बट गया हो, तो आरंभ होने पर कितने महीने बाद बी साझेदार बना। इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 माह बाद। यानी कि ये प्रश्न में कुछ फॉल्ट लग रहा है, देख लीजिएगा। ठीक, आपका 8 माह आंसर आए तो सही, अन्यथा कुछ गड़बड़ है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि 132 मीटर तथा 148 मीटर दो लंबी रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, एक दूसरे को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा सही आंसर होगा 14 सेकंड। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको जो कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अपना जो है एक यूट्यूब पोस्ट चलता है, यूट्यूब पोस्ट करके सेशन, उसमें जरूर भाग लीजिएगा और उसमें जो प्रश्न दिया था उसको सॉल्व कीजिएगा, और करंट अफेयर्स सेशन में जरूर भाग लीजिएगा। करंट अफेयर्स यदि बनाते हैं तो आपका दरोगा पीटी में रिजल्ट होना संभव है। ठीक है, तो उसमें जरूर भाग लेंगे और होमवर्क सीरीज में भी जरूर भाग लेंगे, तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। जो दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।